अनाथ निरंजन। दरवाजे पे कोई साधु खड़ा है, महल में अगर मेरी आवाज किसी के पास पहुंच रही हो तो दो मुट्ठी चून देने का कष्ट करें। साधु जी, हाँ, आपको भिक्षा तो जरूर मिलेगी। अच्छा, लेकिन पहले मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ। प्रश्न? हाँ, कैसा प्रश्न करना चाहती हूँ? पहले आप मुझे अपना नाम बताएं कि आपका नाम क्या है। महारानी, मेरा नाम भक्त पूर्णमल है। भक्त पूर्णमल? हाँ, और मैं गुरु गोरखनाथ का शिष्य हूँ। अच्छा जी, हाँ जी। अरे, जब भी आज मैं सोचती हूँ कि आज मुझे चक्कर क्यों आ रहा है, मुझे नारद जी ने ये बताया था कि तुम्हारे द्वार पर एक पूर्णमल नाम का जोगी आएगा जिससे तुम्हारी शादी होगी, और वो घड़ी अब आ चुकी है। महारानी, हम योगी हैं, तपस्वी हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं। हमारा ना तो कोई घर, ना कोई बार, अच्छा, ना कोई कुटुंब, ना कोई कबीला होता है। हम तो रमते जोगी हैं। जहाँ हमारे गुरु का आदेश हो जाता है वहीं धुना लगा लेते हैं, वहीं हम अपनी पूजा शुरू कर देते हैं। अच्छा, आप कुछ कहना चाहती हो? नहीं। अच्छा, अगर कुछ कहना चाहती हो तो कह दीजिए। सुनिए मेरी बात। हाँ जी। हो तन राज पाट और बहु मिले, हो मन साधु तंग करे ना, मेरी कोई सुथरा राज कवार ढूंढ, मेरी भक्ति भंग करे नारी। कोई सुथरा राज कवार ढूंढ, मेरी भक्ति भंग करे नारी। राज पाटी और बहू मिले मन साधु तंग करे ना। कोई सुथरा राज कवार ढूंढ, मेरी भक्ति भंग करे नारी। कोई सुथरा राज कवार अच्छा। लेकिन हट्टे खट्टे जवान हो, भीख मांगना शोभा नहीं देता है हर किसी को, और आपको भी शोभा नहीं दे रहा है। महारानी, हाँ, हट्टे खट्टे नौजवान हैं, हाँ, लेकिन हमको हमारे गुरु गोरखनाथ ने हट्टा खट्टा किया, उन्होंने हमें नया जीवन दान दिया है। हमारे गुरु का आदेश है और आपके महल से भिक्षा लेने के लिए बोला है। अच्छा, हाँ, सुनिए मेरी बात। कहिए। तू दर दर भीख मांगता डोले, तू दर दर भीख मांगता डोले, हुक्म चला शासन पे। मेरा तो रोटी, मेरा तो रोटी कचून सबर करूं थोड़े से राशन पे। ओ, तो रोटी का दून सवर करूं थोड़े से राशन पे। तेरी टहल करूं बाबा तू सर के सिंहासन पे। मन तीन लोक का, मन तीन लोक का राज समझ लिया धरती के आसन पे। मन तीन लोक का राज समझ लिया धरती के आसन पे। मेहर करो सत्यानाशन पर न्यारे रंग भरे ना। मेरे कहूँ ब्राह्मण साधु की गया पते व्यंग करे ना। कोई सुथरा राजकुमार ढूंढ, मेरी भक्ति भंग करे आ।
तेरी सानी का हर के करना दिख के करना जब निकल गया इने आख्या के बाणी का हो के करना जब निकल गया इने आख्या के बाणी का मैं तेरे चरण दबाऊं बाबा तू राजा बन रानी का मन तेरे नगर में मुझे तेरे नगर में बसम करे करे गुरु गोरख ज्ञानी का अच्छा तेरे नगर में बसम करे करे गुरु गोरख ज्ञानी का अरे इंद्र हो के इंद्राणी का हो ये तो मर्जी का सोता हो से तू घनी तरंग भरे कोई सुतरा राज कवार ढूंढ गई भक्ति भंग करे सो जोगी मारे कोई ऐसी बना पहेली तने सत्रह सो जोगी मारे कोई ऐसी बना पहेली मैं पश्चाताप करूं जीवन भरे रचवा साथ हथेली मैं तो मूड मंडा के प्यार करवाऊं ते मूड नहीं एक ढेली मैं तो मूड मंडा के प्यार करवाऊं देख भागी रखी कन्या शिव जी हामी गंग भरे नारी कोई सुतरा राज कबार ढूंढ मेरी भक्ति भंग करे आज के कार्यक्रम का आयोजक HSC ग्रुप इंद्रजीत भाटी जी के भतीजे अंकित भाटी जी 201 रुपए देकर हमारी टीम का सम्मान कर रहे हैं। हम उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। आइए अजय भडाना और सरिता जी। और मेरी बात सुनिए संत जी। रब ने बनाया तुझे मेरे लिए मुझे तेरे लिए हरे रब ने बनाया तुझे मेरे लिए मुझे तेरे लिए एक बना के दो टुकड़े किए दिल तड़फाया आप मुझे अपना मानो या मत मानो राजकुमारी
आप मुझे अपना मान चुके हो, मैं चाहे आपको अपना मानूं या ना मानूं, बिल्कुल सही, क्योंकि मेरे गुरु का आदेश है कि मुझे आपके महल से सिर्फ भिक्षा लेके जानी है। ये राजपाट है तो शर्त माननी होगी। ये राजपाट धनमाया बहू का जो लोग तू मुझे दिखा रही है, मेरे गुरु का आदेश नहीं है महारानी। बहू भी मिलेगी, राजपाट भी मिलेगा। अच्छा हाँ। और इसी रागनी पर 201 रुपए रणवीर मावी जी, जो हमारे प्रशांत जिस बच्चे की शादी हुई है, जिसका रिसेप्शन का प्रोग्राम है, उनके नाना जी रणवीर मावी जी 201 रुपए देकर हमारी टीम का सम्मान करते हैं, उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। आइए अजय भटाना। मन हृदय से पति मान लिया, रहूं बनके तेरी गोरी, गोरी मैं भूखा गोरी मैं भूखा, बंगाली बाबा तू राजा की छोरी, मैं भूखा बंगाली बाबा तू राजा की छोरी। इब संत कहां ने जाता है मेरे दिल की करके चोरी, क्यों धूल फेंकरी क्यों धूल फेंकरी, सूरज पे फिर भी करती मुजोरी, क्यों धूल फेंकरी सूरज पे फिर भी करती मुजोरी। अरे तेरे हाथों में मेरी डोरी, तेरे हाथों में मेरी डोरी तो कटी पतंग करना, हरि बिरज पाल सिंह, हरि बिरज पाल सिंह, बिन पर खेले मत मन निकले।